भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को तरंग क्रॉसिंग स्थित क्षेत्रीय चुनाव प्रबंधन मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा बसपा के गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, ये नीतियों और कार्यक्रमों का गठबंधन नहीं है। गठबंधन प्रत्याशी को वोट देना अपने वोट को बेकार करना जैसा है। सपा बसपा का गठबंधन तेल और पानी का मेल है। इनके नेताओं के बीच अविश्वास का वातावरण है। इनका कोई नेता नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई 100 वर्षों में कभी भी पैदा होता है। वह 24 कैरेट गोल्ड है। उन्होंने पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन को बैकफुट पर किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सौभाग्य योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि और अनेकों योजनाओं से सबका साथ सबका विकास किया है। जिस किसान के पास एक बीघा भी जमीन है वो अपने पैरों पर खड़ा है। इसलिए आज जनता कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही। उत्तर प्रदेश में असफल लोगों का गठबंधन बना है। जनता ने कांग्रेस को 10 साल मौका दिया, 4 से 14 तक, सपा को 7 से 12 तक और सपा को 12 से 17 तक। ये तीनों लोग जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए जनता ने इनके खिलाफ मैंडेट देकर इनको बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी 2007 में सत्ता में आई थी 206 एमएलए लेकर। उनके कारनामे जनता को रास नहीं आए। 2012 में मात्र 80 विधायकों पर सिमट गए और फिर भी नहीं सुधरे तो 2014 में 0 पर आउट हो गई। 2012 में श्रीमान अखिलेश यादव आए, वो 2 ही साल में इतने अनपॉपुलर हो गए कि 14 में 80 में से 73 सीटें एनडीए को मिल गई, फिर भी नहीं सुधरे। 17 में 325 सीटें मिली 403 में। तीनों का ट्रैक रिकॉर्ड पूरे देश की जनता के सामने है, पूरे प्रदेश की जनता के सामने। कांग्रेस घोटालेबाजों की सरकार रही, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाले का आरोप इनको पर लगे। स्वयं प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने समय समय पर यह स्वीकार किया कि गठबंधन सरकार की मजबूरियां होती हैं। बसपा फेल, सपा फेल, दोनों ने मिलकर ये गठबंधन बना लिया। अब गठबंधन को पर नज़र डाल लें। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह और मायावती जी की सरकार बनी थी जो 1 जून 1995 तक चली, 1 साल 201 दिन। क्या हशर हुआ गठबंधन का? जब जब गठबंधन की सरकार बनी तब तब अराजकता, अव्यवस्था हमेशा प्रवेल करती रही। जो पार्टियां गठबंधन में शामिल हुई उनके अपने इंटरेस्ट पहले थे, देश और समाज का हित बाद में था, इसलिए इस प्रकार की सरकारें चलती नहीं हैं। गठबंधन को वोट देना अपने आप को धोखा देना है। गठबंधन को वोट देना 5 साल का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय करना है। गठबंधन को वोट देना वोट को बेकार करना है। गठबंधन ऐसा है जैसे तेल और पानी का गठबंधन होता है। तेल को पानी में मिलाइए तो पानी का काम रहेगा न, काम का रहेगा और न तेल काम का रहेगा। ये दोनों लोग अविश्वास की बुनियाद पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे से को सशंकित निगाहों से देखते हैं। न सपा बसपा के नेताओं पर विश्वास करती है, न बसपा सपा के नेताओं पर विश्वास करती है। और जिस दिन दोनों ने अपने नेता के नाम की घोषणा के लिए जिद की उसी दिन ये गठबंधन टूट जाएगा। भाई भाई का साझा नहीं चलता। तो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच में पहले से गांठ पड़ी हुई। रहीम ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए।
वो गांठ आज तक नहीं खुली। और वो इस बात के साबित करती है कि जैसे ही नेता की बात आएगी वैसे ही गठबंधन टूट जाएगा और जनता फिर से अपने आप को, जो लोग गठबंधन को वोट देंगे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। इसलिए आज हमारे सामने जब 24 कैरेट का सोना मौजूद है तो ये तांबा पीतल कौन लेगा? मोदी इस देश के लिए वरदान है, ईश्वर की सौगात है। ऐसे लोग, ऐसे नेता कई सौ वर्षों में एकाध पैदा होते हैं। अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि सच ए मैन कम्स टू ए नेशन इन मैनी सेंचुरीज। आज मोदी जी ने पूरे देश में न केवल हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया, विकास के गति को बहुत तेज किया और आतंकवाद से जूझने का काम जितना मोदी जी ने किया इतना किसी ने नहीं किया। हर मौके पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया। और साथ ही साथ आप याद करिए कि हिंदुस्तान के साथ एक ज़माना था केवल रशिया था और आज चाइना को भी हमारे आगे अपनी हमारी बात के लिए चाइना को भी पीछे हटना पड़ा और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के लिए जो हमने कूटनीति अपनाई, जो हमने नीति अपनाई वो पूरी दुनिया ने उसको माना और यूएनओ ने आज इसको स्वीकार भी कर लिया। तो चाहे विकास की बात हो जिसमें हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था तो उसको चरितार्थ भी किया, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन हो, चाहे बिजली व्यवस्था के तहत सौभाग्य योजना के तहत लोगों को बिजली का कनेक्शन देना हो, चाहे विद्युतीकरण हो और चाहे आयुष्मान भारत के तहत लोगों के इलाज की व्यवस्था हो अथवा किसान सम्मान निधि के तहत लोगों को सम्मानित करना हो। किसानों की बात बहुतों ने करी लेकिन जितनी सार्थक और सजीव योजना मोदी जी लाए जो सीधे सीधे किसानों को लाभान्वित करने वाली है, अब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भुखमरी के लिए बेबस नहीं होगा, उसके सामने अपने पैरों पर खड़ा होने का एक रास्ता मिल गया। जिसके पास आधा बीघा, पौन बीघा, एक बीघा भी ज़मीन है वो लोग इस 6,000 रुपये से अपने आप को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह एक ऐसी योजना है कि जो किसानों को एक नया दिन दिखाने वाली, और उन्होंने मृदा परीक्षण से लेकर किसान फसल बीमा योजना तक सारी चीज़ों पर जितने गौर से अध्ययन करके हमें जो कार्यक्रम दिया वो किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। और उन्होंने 22 फसलों का पिछले वर्ष जुलाई 2018 में जो जूढ़े दाम की घोषणा की थी उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। आज हमें खुशी है कि हमारे सामने एक ऐसा नेतृत्व है कि जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अधिकांश लोग भरोसा करते हैं, उनकी बात पे भरोसा करते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज हम उन्हीं के लिए वोट, सपोर्ट, समर्थन और सहयोग मांगने के लिए आए हैं और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 4 चरणों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जब रिजल्ट खुलेगा तब पता चलेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्वाभाविक रूप से लोग मोदी को वोट देने को तैयार हैं। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को गरीब की झोपड़ी तक, किसान की मेड़ तक पहुंचा दिया और आज उसी आशा और विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाला कल हमारा है। मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विनम्रता के साथ हम सबका सहयोग, सबका समर्थन और सबका वोट मांग रहे हैं। हमारे पास संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम सीधे सीधे वोट मोदी को वोट दें। हम मांगते हैं MP के लिए वोट और MP जाकर अपना नेता चुनते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।